तो अब ये भी जो क्वेश्चन है जो हम लोग लास्ट थ्री क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, उसी तरह का सेम है ना। इसमें रॉकेट के बारे में बात किया गया है। रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। रॉकेट का तो शेप रहता ही वैसा ही, रॉकेट कैसा रहता है, रॉकेट ऐसा गोल ऐसा रहता है ना, और उसके ऊपर ऐसा बना रहता है कौन, यही तो रॉकेट है, ठीक है, यही रॉकेट है, यही हमारा रॉकेट है। तो रॉकेट है कि ये सिलेंडर हुआ, रॉकेट में ये सिलेंडर हो गया और ये कौन हो गया है ना। रॉकेट में ये क्या हो गया, सिलेंडर, और ये क्या हो गया, कौन हो गया। तो सिलेंडर है नीचे, उसके ऊपर कौन लगा हुआ है, यही तो रॉकेट होता है, यही रॉकेट है, ठीक है। तो कहता है सर्कुलर सिलेंडर जो है लोअर, रॉकेट का जो सर्कुलर सिलेंडर है लोअर एंड, ये क्लोज है, मतलब ये बंद हो गया, लोअर एंड क्लोज, ठीक है, लोअर एंड क्लोज है, लोअर एंड जो है रॉकेट का क्लोज है, ये जो जो सर्कुलर है लोअर एंड है ना, क्लोज एट द लोअर एंड, सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड, एंड ए कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच, कोन ऑफ द सेम रेडियस, जो रेडियस यहाँ है वही रेडियस होगा, ठीक है, और ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो इसको हम इधर मिला देंगे तो रेडियस हो जाएगा, इधर इसको मिला देंगे रेडियस, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, उसी तरह से यहाँ भी ये रेडियस होगा, इधर रेडियस होगा, ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायमीटर हो गया, और यहाँ से इधर हो गया रेडियस, ठीक है, फिर इधर हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है रेडियस सेम है तो सिलेंडर का जितना रेडियस यहाँ होगा वही रेडियस यहाँ होगा, इसलिए यहाँ भी रेडियस कितना होगा, आर आर, ठीक है। रेडियस का वैल्यू दे दिया, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5, यानी आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 मीटर दे दिया, ठीक है। हाइट जो है 21, ये जो हाइट है ना, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको हम लोग एच मानते हैं वो भी हमको दे दिया गया है, हाइट इज 21 सेंटीमीटर। ए रॉकेट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर सिलेंडर क्लोज एट द लोअर एंड, एंड ए कोन ऑफ द सेम रेडियस इज अटैच टू द टॉप, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 2.5 है ना, सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ एंड इट्स हाइट, और सिलेंडर का हाइट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 21 मीटर, ठीक है, दो चीज हमको निकल गया, और तीसरा चीज दिया हुआ है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज 8 मीटर, तो स्लांट हाइट ये है, इसको हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं एल, स्लांट हाइट ऑफ द कोन ये भी दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 8 मीटर, तो हमको दिया हुआ है ये सारा चीज। जब ये सारा चीज दिया हुआ है तो उसके बाद बोलता है कि कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट निकालना है, तो रॉकेट में सरफेस एरिया कहाँ कहाँ है, एक तो हो गया ये वाला कोन वाला सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर ये रॉकेट का कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर ये जो नीचे से बंद है ना रॉकेट, रॉकेट नीचे से बंद है तो सर्कुलर सरफेस एरिया हो गया, तो सारे सरफेस एरिया को हमको इंक्लूड करना होगा, तब होगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो बनाना कैसे है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट क्या क्या आएगा इसमें, तो हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं, ऊपर में सबसे पहले कौन है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहला चीज ये होगा, दूसरा चीज होगा ये सिलेंडर है,
सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और तीसरा हो गया ये नीचे सर्कुलर सरफेस एरिया बेस एरिया है ना। उसके बाद होगा बेस सरफेस, सर्कुलर बेस सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ बेस सरफेस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। और आप जानते ही हैं सबका फॉर्मूला, तो सबका फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आराम से बन जाएगा। जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है वही लिखेंगे हम लोग, और क्या है। तो यहाँ पर रन देने की बात है। सबसे पहले जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल। उसके बाद होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा। और उसके बाद है सर्कुलर सरफेस एरिया ऑफ द बेस, यही ना बेस है, यही बेस है ना, बेस का सरफेस एरिया वो सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू मालूम है, एल का वैल्यू मालूम है, एच का वैल्यू मालूम है, आर का वैल्यू, सारा वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि सही सही आंसर कितना आना चाहिए, आएगा 412.5 मीटर स्क्वायर। जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 412.5 मीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको सारा वैल्यू पुट करना है और ये आंसर आना है, चेक कर लेना है कि कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं है, और अगर कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आया तो फिर पूछ सकते हैं आप उनसे, ओके। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि एक सॉलिड है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म, इज इन द शेप ऑफ ए कोन, है ना, एक कोन के शेप में, सर माउंटेड ऑन ए हेमी स्केयर। सर माउंटेड ऑन मतलब सर माउंटेड ऑन है, मतलब ये किसी चीज के ऊपर है, तो किसके ऊपर है, सर माउंटेड ऑन ए हेमी स्केयर, मतलब हेमी स्फेयर के ऊपर ये कोन बना हुआ है, एक टॉय है, नीचे जो है हेमी स्फेयर है और उसके ऊपर कोन है ना, कोन सर माउंटेड ऑन ए हेमी स्फेयर, क्लियर। तो एक कोन है उसको हेमी स्फेयर के ऊपर सरमाउंट करना है, यानी उसके ऊपर लगा देना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि हेमी स्फेयर बनाएंगे और हेमी स्फेयर के ऊपर जो है हम कोन लगा देंगे, तब ये जो है हमारा पूरा खिलौना तैयार हो जाएगा। तो हम लोग को एक सॉलिड बनाना है, तो एक स्फीयर लेते हैं, है ना, ये स्फीयर हो गया, तो इसका हेमी स्फीयर हमको चाहिए, तो हेमी स्फीयर चाहिए, क्या होगा, ये सेंटर हुआ, ये पूरा स्फीयर हुआ, ये पूरा स्फीयर हुआ, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, है ना। तो अगर हम यहाँ से इधर ये खींच दें ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमको स्फीयर नहीं चाहिए ना, हेमी स्फीयर चाहिए, तो आधा हटा देंगे। अब ये हो गया हेमी स्फीयर, पहले स्फीयर था, अब ये हो गया हेमी स्फीयर, ये हेमी स्फीयर हुआ, ठीक है। हेमी स्फीयर लगे देखने में, इसके लिए हम थोड़ा डिजाइनिंग कर देते हैं ना, ये अब देखो कैसा लगा, अब ये हेमी स्फीयर के जैसा है ना, हेमी स्फीयर हो गया ये, है ना, कटोरा के जैसा हो गया, है ना, बॉल को बीच से काट दिए, क्रिकेट बॉल लिए बीच से काट दिए, ऐसा ही दिखेगा, टेनिस बॉल लिए बीच से काट देंगे,
फुटबॉल लेंगे उसको काट देंगे ऐसा ही दिखेगा, कोई भी बॉल ले लेंगे उसको हम बीच से काट देंगे वैसा ही दिखेगा। ये हो गया हमारा हेमिस्फीयर, ये क्या है हमारा हेमिस्फीयर, ये है हमारा हेमिस्फीयर। कहता है कि इसी हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोण बनाइए, एक कोण बनाइए इसी हेमिस्फीयर के ऊपर, और रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5, मतलब कोण का भी रेडियस वही होगा और हेमिस्फीयर का भी रेडियस वही होगा, यानी रेडियस जितना होगा इस हेमिस्फीयर का उतना ही रेडियस होगा कोण का। ठीक है, तो हम लोग कोण लेते हैं, मान लेते हैं ये हो गया हमारा कोण, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया। ठीक है, अब कहता है कि द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 मीटर, टोटल हाइट जो टॉय का टोटल हाइट यहां से यहां तक होगा ना, इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, ये हुआ कोण का हाइट, कोण के हाइट को हम लोग एच लिख देते हैं, और कोण के सलांट हाइट को हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, और टॉय का टोटल हाइट कितना बता रहा है क्वेश्चन में, 15.5 सेंटीमीटर। टॉय का टोटल हाइट कितना बता रहा है, 15.5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन, कोन के शेप में है, सरमाउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर इसको लगा दिया गया है, सरमाउंट कर दिया गया, और रेडियस जो है कोन का और हेमिस्फीयर दोनों का रेडियस सेम है 3.5, यानी ये जो आर का वैल्यू है, ये आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू हो गया 3.5, है ना, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से यहाँ तक आर, ये रेडियस हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इधर भी रेडियस। ठीक है, क्लियर हो गया। कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इस टॉय का सरफेस एरिया पूरा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी ना, क्योंकि हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों का, इस एच का भी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 15.5, हमको एच का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच यहाँ से यहाँ तक है ना, और 15.5 यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ क्या है, आर है ना, है, और आर का वैल्यू कितना है 3.5 है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15.5 माइनस आर, तो ये कितना निकल जाएगा, 15.5 माइनस 3.5, तो कितना आ जाएगा ये 3.5, इधर हो जाएगा 0, 15 में 3 जाएगा तो 12, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पॉइंट है, 0 नहीं है, ये पॉइंट 12.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इस एच का भी वैल्यू मिल गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है टॉय का वो 15.5 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से ये रेडियस है क्योंकि स्फीयर है, तो ये रेडियस होगा, अगर हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे वो भी रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे ऐसे रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे रेडियस, तो यहाँ से यहाँ मिलाए तो रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, इसे ये वैल्यू का घटा देंगे तभी नहीं ये वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का हाइट 15.5 सेंटीमीटर है, तो वो घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना होगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर जो है ये हो गया हाइट हो गया। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, तो टॉय में सरफेस एरिया कौन कौन सा है, एक तो ये हो गया सरफेस एरिया, हेमी स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया,
और ये जो कोन है इसका सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और हेमी स्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमी स्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे और इस कोन का सरफेस एरिया ले लेंगे, दोनों सरफेस एरिया को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ओके। तो हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, ऊपर से ही शुरू करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। ठीक है, तो अब हम इस दोनों का फॉर्मूला लिख देंगे। अच्छा, इसमें देखने वाली बात है, क्वेश्चन में एक जगह जो है डेटा गलत दिया है, ये जो है 15.5 नहीं है, ये जो है 9.5 है। ठीक है, तो ये जो टोटल हाइट है ये 9.5, 15.5 नहीं हो करके ये 9.5। ठीक है, तो अभी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, ये 9.5 तो 3.5 होगा, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो h का वैल्यू हमको मिल गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों को निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सरफेस एरिया कौन कौन है, ये कोन है और ये हेमीस्फीयर है, तो दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, कोन का भी और हेमीस्फीयर का, और दोनों का ऐड कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर कितना होता है, 2πr² होता है। ये पहले पढ़ा चुके हैं, हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का आधा, तो स्फीयर का होता है 4πr², तो हेमीस्फीयर का होगा 2πr², ये सब पढ़ा चुके हैं। अब इसमें आर का वैल्यू मालूम है आपको, ठीक है, तो ये निकल गया। अब जो है यहाँ पर ये L का वैल्यू नहीं मालूम है, ये L का वैल्यू निकाल लेना है। L का वैल्यू कैसे निकलता है, L का वैल्यू कैसे निकलेगा, है ना, ये दोनों को क्या होगा, R² + H², ये वैल्यू है। अब R और H का वैल्यू आपके पास है, तो L के बदले हम लोग लिख देते हैं पाई R, और L के बदले हम लोग लिखेंगे R² + H² जानते ही हैं इसको, 2πr². उसके बाद अब आपके पास सारा वैल्यू है, R का वैल्यू आपके पास है, H का वैल्यू आपके पास है, R का वैल्यू है, सारा वैल्यू जब पुट करेंगे यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, और वो आंसर कितना आना चाहिए, वो आंसर आएगा 166.83 सेंटीमीटर² यही आंसर आएगा। सारा वैल्यू आप पुट करोगे और ये देखोगे कि ये आता है कि नहीं, तो ये आगे का कैलकुलेशन आपका करना काम है, आप कर लोगे, ओके। अच्छा, इसमें जो है टोटल सरफेस एरिया आप ट्वाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम सॉलिड लिखा है ना, तो सॉलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी ट्वाई लिखा गया है, यहाँ पर भी सॉलिड लिखा है ना, क्वेश्चन में सॉलिड था तो सॉलिड ही लिखेंगे। ठीक है, अभी जो को तो नया क्वेश्चन है, इसके पहले जो हम क्वेश्चन लिखे इसी तरह का ही क्वेश्चन है, उसका ये बना हुआ अभी भी रखा हुआ ही है। उसमें हमने निकाला क्या चीज़, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड निकाला। उस क्वेश्चन में एक जो आंसर हम बताए थे सरफेस एरिया का, वो सरफेस एरिया एक्चुअली नहीं है, वो वॉल्यूम का आंसर है। तो ये जो हम बताए थे आंसर की 166.83 ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये गलत है, कुछ और आएगा। ठीक है, ये
नहीं आएगा। याद रखना है कि ये नहीं आएगा, ये गलत है आंसर, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम आएगा, है ना, ये वॉल्यूम के रूप में आएगा। जो अभी हम लोग को वॉल्यूम उस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी निकालना है जो उस क्वेश्चन में मिस कर गया था। लास्ट में लिखना था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो हमने लिख दिया था फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इसलिए सरफेस एरिया निकाल दिया हम लोग। लेकिन रियलिटी में क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, तो वॉल्यूम भी इसी तरह से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख देते हैं फॉर्मूला, आप लोग निकाल लेंगे, और उस वॉल्यूम का आंसर आएगा 1966.83 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, ये आंसर नहीं आएगा, ये आंसर आप अपना निकाल लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ भी आएगा यहाँ पर, यह आंसर निकाल लेना है सरफेस एरिया। लेकिन अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कहा जाए, इस क्वेश्चन के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो सॉलिड दिया है उसी का, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड का क्या होगा, तो वॉल्यूम निकालना होगा कौन का, और वॉल्यूम निकालना होगा हेमिस्फीयर का, तो दोनों के वॉल्यूम को जोड़ देंगे तब ना ये पूरे जो ये सॉलिड है उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, और फिर इस दोनों का जो है फॉर्मूला को हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3 पाई आर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, स्फीयर का 4/3 होता है तो इसका 2/3 करके लिखेंगे, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास तो आर का वैल्यू एच का वैल्यू सब है ना, जैसे आर और एच का वैल्यू है ही, तो आर और एच का वैल्यू पुट करेंगे और ये वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एक्चुअली निकालना था वॉल्यूम, हम लोगों ने सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, चलो ठीक है, सरफेस एरिया भी कैलकुलेशन करना सीख गए और जो है वॉल्यूम भी सीख गए, तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें एक्चुअली वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम पुट करेंगे, तो हम लोग एच का वैल्यू निकाले ही थे, कितना निकाले थे एच का वैल्यू, एच का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे 6 सेंटीमीटर निकाले थे ना, 9.5 माइनस ये आर का वैल्यू कितना है 3.5, आर का वैल्यू 3.5 था, ये हो गया 6, तो इस तरीके से हम लोग निकालिए, तो एच और आर का वैल्यू है ही हमारे पास, वो वैल्यू पुट करेंगे तो वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम निकालना है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज करके वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेकिन अब हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन, ठीक है, चलो तो वॉल्यूम हटा देते हैं क्योंकि अब इस क्वेश्चन का है, तो हमको अब निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द ट्वायर। तो सॉलिड की जगह सेम चीज है, जरा स्टेटमेंट देख लो, जो लास्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट था वही है, थोड़ा सा इस अंग्रेजी का सिर्फ चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। द ट्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, कोन के रूप में है, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर ही कोन को रख दिया गया है, और सेम रेडियस है ऑफ द सर्कुलर फेस, यही हुआ ना सर्कुलर फेस, ये हुआ सर्कुलर फेस किसका, हेमिस्फीयर का, ये सर्कुलर फेस है, हेमिस्फीयर का ये क्या है सर्कुलर फेस है, इसी सर्कुलर फेस के ऊपर जो है कोन को सरमाउंट किया गया, कोन को माउंटेड कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, लगा दिया गया है, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द ट्वाय, ट्वाय का टोटल हाइट जो है 15.5 है, ठीक है, 15.5 है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, और रेडियस जो है सेम है, रेडियस दिया गया, ट्वाय इज इन द फॉर्म ऑफ ऑन ए हेमी स्क्वायर ऑन इट्स सर्कुलर फेस, द टोटल हाइट दे दिया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाय, ठीक है, इसमें रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन में छूट तो नहीं गया है कि रेडियस दिया है या नहीं दिया है।
ठीक है, ट्वाइस इन द फॉर्म कोन ऑफ रेडियस 3.5 इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन ऑफ रेडियस 3.5 कोन, कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें भी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर ही है, आर का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर ही है, बस जो है टोटल हाइट बदल गया है, ये 9.5 के जगह पर हो गया 15.5, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, तो एच का वैल्यू है ही, आर का वैल्यू है ही आपके पास, तो सेम चीज़ हो गया, सरफेस एरिया निकाले, यही फॉर्मूला है, सब कुछ यूज करेंगे, एल का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बिठा देंगे वैल्यू को और बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं कि कितना आएगा, ये आएगा 214.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ओके ओके। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, वो ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसा अभी तक बनाते आ रहे हैं लास्ट 3-4 से। तो ये क्या है, ए टॉय इज इन द शेप ऑफ ए कोन, तो टॉय क्या है, कोन के शेप में है, माउंटेड ऑन द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के ऊपर ये माउंटेड है जैसा पिछला सा वैसा ही है, ऑफ द सेम बेस रेडियस, सेम बेस रेडियस का मतलब क्या हो गया कि हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वही रेडियस होगा कोन का भी, कोन का जो रेडियस है वही जो है हेमिस्फेयर का रेडियस है, तो दोनों का रेडियस सेम, बेस रेडियस का मीनिंग है, ठीक है, इसलिए डायग्राम भी सेम बना। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द टॉय दिया हुआ है, टॉय का जो है वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका डायमीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टॉय, मतलब हमको निकालना है हाइट ऑफ द टॉय, टॉय का हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक, टॉय का हाइट कितना है, मतलब हमको आर का भी वैल्यू चाहिए और एच का भी वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू जब मिल जाएगा तो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर क्या है यहाँ से यहाँ तक है ना, तो डायमीटर दिया हुआ है तो आर का वैल्यू क्या होगा, डी बाई टू, ठीक है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 7/2 हो गया, रेडियस हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है हमको निकल गया, और जब रेडियस निकल गया तो हम आगे का काम कर सकते हैं, रेडियस का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर रेडियस का वैल्यू पुट करेंगे तो एच ही ना सिर्फ बचेगा, तो आराम से एच का वैल्यू निकलेगा, क्या नहीं है कि नहीं, बहुत ही आराम से निकल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है। 231 यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ दिए, वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr² h, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 2/3 πr³, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय दिया हुआ है क्वेश्चन में 231, वो हमने पुट कर दिया 1/3 πr, का वैल्यू मालूम है कितना होता है, 22/7 होता है, वो बिठा देंगे, ठीक है, और आर का वैल्यू अभी हम लोग निकाल लिए थे, हो गया 3. तो इस तरह से हम चलिए यहाँ पाई का वैल्यू भी हम बिठा देते हैं 22/7 या 3.14 जो पसंद हो, अगर 22/7 से मन नहीं लगता 3.14 बिठा दिए, और आर का वैल्यू कितना आ गया, 3.5 हो गया, 3.5 स्क्वायर, यहाँ एच हो गया, इधर हो गया 2/3, पाई का वैल्यू 3.14 बिठा दिए, और आर का वैल्यू कितना है, 3.5 πr³। अब देखिए सारा वैल्यू पुट हो गया, सिर्फ एच बचा हुआ है, तो आपको आगे अलजेब्रा का काम है, इस तरीके से एच का वैल्यू निकाल देंगे, यही तो आंसर होगा, ठीक है। और ये जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 18 सेंटीमीटर आएगा, ये कितना आएगा,
18 सेंटीमीटर। ये आंसर जो है कैलकुलेट होने के बाद आएगा 18 सेंटीमीटर। तो आप देख लेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, 18 सेंटीमीटर आता है कि नहीं आता है, सारा वैल्यू पुट करने के बाद अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है।